अगर किसी देश को खोखला करना हो तो उसकी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दो, जी वो देश अपने आप में खोखला हो जाएगा। जी सो हमारी जो युवा पीढ़ी है उन्हें अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हर एक बच्चा पढ़ना चाहिए, हर एक को कुछ ना कुछ पैसों की वजह से या किसी और वजह से एजुकेशन ना छोड़नी पड़े। कुछ मेरी कुछ तुम्हारी, कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के इस 10वें एपिसोड में मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ उपस्थित हैं आरती बंसोदे जी। आरती बंसोदे जो कि स्त्रियों की मिसाल है, आरती जी ने कई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बतौर समाज सेविका काम किया है। इन्हीं इनकी इस आंतरिक सुंदरता के लिए 2019 में मिसेस इंडिया ब्यूटी विद पर्पस का खिताब भी मिला था। आरती जी हर तरह के लोगों को प्रभावित, प्रोत्साहित और प्रेरित करने को अपने जीवन का मकसद मानती हैं। आज के 10वें एपिसोड में मैं आरती बंसोदे जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आरती जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपने विषय में कुछ खास बातें हमारे श्रोताओं से कहें। मेरे बारे में मैं ऐसा कहना चाहूंगी, अगर आप कह ही रहे कि अपने बारे में कुछ कहो, क्योंकि अपने बारे में कहने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि एक सामान्य महिला जो एक घर में बच्चे का ख्याल रखना और आमतौर पे जो जो काम काम किए जाते हैं वो काम करने वाली में एक साधारण महिला थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर मैंने अपने सपनों को ताजा रखा था कि मुझे कुछ करना है, और उसी की वजह से आप सबके सामने शायद आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूं कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। वही मेरी खास बात है कि अपने सपनों को मैंने जिंदा रखा था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। जी, बहुत सही बात कही आपने कि अपने सपनों को जिंदा रखा और उसकी वजह से आप उनको आगे जाकर उसको एक पंख दे पाई और उसके साथ उड़ पाई। आरती जी, आपके हृदय में समाज सेवा ख्याल कब और कैसे आया? जैसे मैं तो बचपन से ही मेरे को कहीं ना कहीं एक काइंडनेस जो रहती है वो मन में थी। जब मैं बस में ट्रैवल करती थी तब जब मेरे को ऐसे लगता था कि भाई मुझे नहीं बैठना है सीट, मुझे किसी और जरूरतमंद को देनी है, तो ये सब चीज मेरे अंदर बचपन से ही थी। जितना हो सके उतना मैं तभी से हेल्प करती थी लोगों की, बट इसे समाज सेवा कहा जाता है ये बात मुझे तभी पता नहीं थी, ये हालांकि धीरे धीरे पता चलती गई। बट समाज सेवा यानी आप अपना सब कुछ छोड़ के खाली समाज के हित में लग जाओ, इसे समाज सेवा नहीं कहते हैं। तो हमारे आजू बाजू में जहां पे भी हमें लगे कि यहाँ हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, उस चीज को मैं समाज सेवा मानती हूँ, और ये मेरा ख्याल बचपन से ही मेरे अंदर मेरे माता पिता ने बोया था और आज भी मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। जी, बहुत सही बात कही कि एक छोटा सा, जो कहते हैं कदम, जो हमारा छोटा सा कदम किसी दूसरे को कुछ अच्छा कर जाए वो समाज सेवा ही है। अगर हमने अपने अलावा किसी और के लिए भी सोचा तो वो भी एक तरीके से समाज सेवा ही है। तो आरती जी, आपने बताया भी कि आपके माता पिता ने आपको ये अच्छी सी प्रेरणा दी, इसके अलावा भी कुछ तो प्रेरणा स्रोत होंगे आपके जीवन में, और अगर कोई ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं तो उनकी कौन सी बातों को आपने अपने जीवन में पूर्णतः उतारा है? जी अनुपम, माता पिता तो है ही और हर एक के होने ही चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बलिदान देते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को अपना धारण या अपना आदर्श मानती हूँ जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को बनाया है, जैसे कि अरुणिमा सिन्हा, शायद आपको पता होगा। जी, जिन हालातों से उन्होंने माउंट एवरेस्ट काबिल किया और उनको मेडल मिले और इंडिया का नाम रोशन किया, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। फिर आपको सिंधुताई सपकाल पता होगी कि जिन्होंने जिस तरीके से, शायद सुना होगा आपने कि उनको अनाथों जी की माता कहे जाता है, लेकिन किस हालात में कि उनको खाने को भी नहीं था और सोने को भी नहीं था, आज वो लाखों करोड़ों लोगों की माँ बन चुकी है। जी ये ऐसे जो लोग है, फिर आईएएस ऑफिसर अंसार शेख जो है, जो 21 साल की उम्र में आईएएस बने, हालांकि उनके पिता जो थे वो काफी एक ऑटो ड्राइवर थे और काफी गरीबी से उन्होंने सामना किया, और
21 साल की उम्र में वो आईएएस बने। इन सारी परिस्थितियों के ऊपर उन्होंने काफी अच्छे से फाइट करके अपने आप को एस्टैब्लिश किया। सो ऐसे लोग मैं अपने प्रेरणा स्रोत मानती हूँ कि जो प्रतिकूल परिस्थिति में हालातों से हार कर रोते नहीं है, बल्कि उसको उस दो हाथ करके आगे बढ़ते हैं, ये सारे लोग मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। जी आरती जी, आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं ये बताते हुए कि जो लोग परिस्थितियों का दावा देकर, परिस्थितियों को बता करके कि हमारी परिस्थितियां सही नहीं है, रुक नहीं जाते हैं, तो अरुणिमा सिन्हा जी हो या जिनके भी आपने उदाहरण अभी दिए, तो अपने आप में एक तारीफ के काबिल है। आपको आरती जी कई जगहों पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। अभी हाल में एक मराठी दूरदर्शन चैनल पर भी आपको आमंत्रित किया गया था। आप इन मौकों पर अपनी कौन सी सीख को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं? जो मुझे आमतौर पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, उनका हमेशा मेरे से ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं इस तरीके से कुछ दो बातें कहूं कि जिनसे जो सामने उपस्थित श्रोताएं हैं उनमें एक नया जीवन आए, या जो परिस्थिति से अभी भी आप देख रहे हैं कोरोना में काफी सारे लोग नैराश्य का सामना कर रहे हैं, जॉब नहीं है या पैसे खत्म हो गए, बीमारियां है। तो मैं हमेशा जब भी स्टेज पे जाती हूँ, अभी जो आप दूरदर्शन की बात करें वहां पे उन्होंने मुझे 3 बार इनवाइट किया, लाइव शो में इनवाइट किया था, तो वहां पे मेरे को टाइम का महत्व, ये तीनों एपिसोड मेरे टाइम के महत्व के ऊपर थे कि हमारी जिंदगी में समय का कितना महत्व है। ऐसे 3 बार उन्होंने मेरे को 3 घंटे के लिए बुलाया था। उसके अलावा जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ और माइक में मेरे को बोलने का मौका दिया जाता है, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरे 2 शब्द सुनकर जिसका आज जो आज नैराश्य का शिकार है या जिसके जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, बस मैं उसको कहीं पे एक आशा की किरण जगा दूं और वो कहीं से मेरा भाषण सुन के प्रेरित हो जाए और कुछ जिंदगी में करे, बस मैं यही सोच के हमेशा अपना भाषण देती हूँ। बहुत सही आरती जी। आरती जी, आप मराठी समाचार पत्र सकल के साथ भी जुड़ी हुई हैं, उसके विषय में भी हमें कुछ बताइए। हाँ, वो एक काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड है। ऐसा ही मेरा एक सेमिनार हो रहा था, सेमिनार के दौरान वहां पे काफी सारे जो पत्रकार होते हैं वो वहां पे थे। उनमें से एक पत्रकार ने मुझसे मेरा विजिटिंग कार्ड मांगा मेरा सेमिनार होने के बाद, क्योंकि 1200 लोगों की संख्या में उपस्थित श्रोताएं, और जो तभी मेरा कुछ इतना नाम भी नहीं था, मैं बहुत एक साधारण सी एक मतलब सेमिनार देने वाली ट्रेन थी। तो जो चीफ गेस्ट थे, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगी, एक पॉलिटिकल पार्टी के एक चीफ गेस्ट थे, उनको आने में देरी हो गई थी। तो मेरे को जिन्होंने आयोजन किया था उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट की कि मैम थोड़ा श्रोताओं को बनाए रखिए, अगर उन्हें बात पता चली कि चीफ गेस्ट लेट आने वाले हैं तो सब इधर उधर फैल जाएंगे और वापस जमा नहीं होंगे। तो मैंने जो मेरे को 1 घंटे का सेमिनार लेना था वो मैंने 3 साढ़े 3 घंटे 1200 लोगों को ओपन ग्राउंड में मेरे शब्दों से मेरे जो मेरा जो सेमिनार है उससे बिठा के रखा था, और वहां पे कई सारे पत्रकार थे क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर आने वाले थे। तो उन्हीं में से एक पत्रकार ने मुझसे मेरा विजिटिंग कार्ड मांगा सेमिनार खत्म होने के बाद, और वो कार्ड फिर सकाळ की जो मराठी दैनिक वृत्तपत्र सकाळ उनको उन्होंने जाकर दिया, और फिर उन्होंने मुझे अपने सकाळ के माध्यम से जो युवा मतलब 15-16 साल के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनको मोटिवेशन देने के लिए, उनको पढ़ाई कैसे करें या समय का नियोजन कैसे करें या एग्जाम की फियर को कैसे किल करें, ऐसे अलग अलग जो एजुकेशनल टॉपिक्स है उनके ऊपर उन्होंने अपने माध्यम से देने के लिए मुझे अपने साथ जोड़ लिया, जिसमें वो मुझे प्रसिद्धि भी देते हैं और क्या बोलते हैं चार्जेस भी देते हैं, गाड़ी भी देते हैं, ड्राइवर भी देते हैं। सो इट्स इट्स जी लाइक एकदम ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया मेरा जी जो भी हुआ। जी आप जो कहना चाहते थे वो एक प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, आपके पसंद का काम, और हाँ उससे बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलने लगा, ये तो बहुत हाँ अच्छी बात है। यस मतलब कुछ प्लानिंग नहीं था, ये सडनली जी हो गया था, मुझे भी जी नहीं जी पता था कि वो मेरा कार्ड सकाळ के ऑफिस में जाके देंगे। जी जी आपके इन्हीं कर्मों की वजह से, मतलब आपने इतने जो अच्छे काम किए तब अभी तक, उन सब की वजह से आपको गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्रांति ज्योति सावित्री फूले पुरस्कार, और ऐसे ही जाने कितने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से नवाजा गया है।
इन सब उपलब्धियों का श्रेय आप किनको देती हैं? इनका श्रेय तो मैं डेफिनेटली मेरे जो संस्कार है, जो मेरे माता पिता ने मुझ में बोए है, मैं उन्हीं को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं उन्हीं संस्कारों की वजह से मैंने ये सीखा है कि कोई भी आपत्ति हमारे सामने हो, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने हो, बस हमें हार नहीं माननी है। जो जो भी हमारे सामने हो, कितनी भी विपत्तियां हमें हमें सहन करनी पड़े, बट उससे भी हमें ऊपर आके कुछ करना। और यही सीख मैं हमेशा मेरे ट्रेनिंग्स में देती हूँ, और इसीलिए शायद मुझे लोग प्रेरित होके मेरा नाम पुरस्कारों के लिए भेजते हैं। और मुझे अभी मुझे कहना पड़ता है कि नहीं, अभी मुझे पुरस्कार नहीं चाहिए, टाइम नहीं है आने के लिए, ऐसे एक दौर पे मैं आ चुकी हूँ। जी। और इन जैसे आप अभी अपने बारे में बता रही हैं कि इतने सारे पुरस्कार मिल गए और अभी आपके पास समय नहीं होता है कि आप उनके लिए समय निकाल पे और उन सारे कार्यक्रमों के लिए जा पाए, तो आप में ऐसी कौन सी शक्ति है, खास शक्ति जिसकी बात करें, जिसकी वजह से आप अपने सारे कामों को कर पाती हैं और आगे बढ़ते जाती हैं? शक्ति मुझे ऐसे लगता है कि मैंने काफी देर कर दी ये मेरे अंदर की जो शक्ति है उसे समझने के लिए। जब भी मैं सेमिनार के मैं स्टेज से उतरती हूँ, जिस तरीके से लोग रो उठती है, उनके रोंगटे खड़े हो उठते हैं, मुझे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, तो ये एक अपने आप में मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है कि मैं जिंदगी लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही हूँ। So, यही एक चीज है, लोगों का प्यार, लोगों का मेरी तरफ देखने का नजरिया, जो मुझे और ताकतवान, दिन ब दिन मैं और ताकतवान बनती जाती हूँ इन्हीं सारी चीजों की वजह से। जी, अभी आपने जैसे समय वाली वो कहानी बताई जिसमें पहले आपको 1 घंटे का एक सेशन लेना था पर आपको 3 घंटे का लेना पड़ा, उसमें भी आप समा बांधे रखी, तो ऐसे ही आप विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और कॉर्पोरेट में भी सेशन लेती रहती हैं। इसके कुछ और खास अनुभव मैं आपसे साझा करने की गुजारिश करूंगी। खास अनुभव तो ऐसे है कि कहीं बार मैं ऐसे कहीं स्कूलों में जाती हूँ, ऐसे कई विद्यालयों में जाती हूँ कि वहां पे सपोज मुझे बच्चों को कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना होता है और मैं पूरी तैयारी के साथ आती हूँ अपना पावर पॉइंट लेके एंड ऑल, और वहां जाके पता चलता है कि उनका प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा है, फिर मुझे अपना ऑन द स्पॉट मुझे अपना कंटेंट चेंज करना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे सामने, मतलब मेरे को कहा जाता है कि आपको सेमिनार मराठी में लेना है जी। और वहां पे जाके ऑडियंस बैठी रहती है जिन्हें मराठी समझ नहीं आती, वो कहती मैम इंग्लिश में लीजिए या हिंदी में लीजिए। सो कभी कभी मुझे ऑन द स्पॉट स्टेज पे तीनों भाषाएं इस्तेमाल करके मिक्स सेमिनार लेना पड़ता है। मतलब काफी लोग तो आश्चर्य भी करते कि आप कैसे फटाफट लैंग्वेजेस स्विच कर देते हो। सो ये भी मेरे को वहां पे करना पड़ता है। कई बार लाइट चली जाती है, कई बार बैठने के लिए जगह नहीं रहती, तो ऑडियंस को मेरे को कंट्रोल करना पड़ता है, कहीं पे एडजस्ट करने के लिए बिठाना पड़ता है। ऐसे काफी ऑन द स्पॉट भी काफी सारी चीजें ऐसे होती है, कई बार लोग रो पड़ते हैं सेमिनार में, अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई क्रॉस क्वेश्चन भी करता है, ऐसे नहीं कि हमेशा सुनने वाले ही मिलेंगे आपको, तो कई बार क्रॉस क्वेश्चन हो जाती है, वहां पे उनको कन्विंस करना, उनकी बातें समझ के उनको क्या सही है ये बात उनको समझाना, ये सारी एक चैलेंजिंग चीज है और इसके लिए मुझे खुद को काफी सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि आप ऐसे ही नींद से उठ के स्टेज पे नहीं जा सकते। तो हाँ, तो मेरे को काफी कुछ भी गलत मुंह से निकल गया तो उसका आपको आजकल मालूम है कैसे इश्यू हो जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या ट्रोल किए जाते हो आप, तो मेरे को काफी तैयारी करके सोच समझ के इस तरीके के सेशंस लेने पड़ते हैं। जी, वो पूरा समय सचेत रहना होगा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसको लोग, क्योंकि लोगों को सुनना पसंद है पर सुनने में उनको गलतियां निकालना और भी ज्यादा पसंद होता है। और रिकॉर्डिंग भी करते हैं ना, जब चालू रहता है वीडियो लेते हैं, कोई ऑडियो लेता है। एक ने तो मेरा पेरेंटिंग का सेमिनार शुरू था, वो लेडी ने स्टार्टिंग से लेके पूरा खत्म होने तक 2 घंटा उसने फोन पे अपनी बहन को मेरा सेमिनार सुनाया था। सो जो चालू करके रखा उसने फोन अपनी बहन को,
और वो पूरा फोन फोन पे उन्होंने मेरा सेमिनार अपनी बहन को लाइव सुनाया था। तो ऐसे भी होता है, तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है जी। और हम इन सब चीजों को कंट्रोल भी नहीं कर सकते ना, हमारी हिदायतें होती हैं फोन ना यूज करो, पर ऑलरेडी अगर किसी ने ऑन करके रखा है, कुछ किया है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, मुझे तो मेरे कपड़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि लोग वो भी मतलब देखते हैं कि मैम ने कैसे मतलब क्या पहन के जा रही हूँ, कैसे सज धज के जा रही हूँ, ये सारी चीजें मुझे टॉप टू टो इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और मेरा जैसे आपने अभी कहा कि मैं मिसेस इंडिया का किताब जीत चुकी हूँ, तो वहां वैसा इवेंट हो जहाँ पे मैं जूरी बन के जा रही हूँ या किसी फैशन शो में जज बन के जा रही हूँ, तो वहां पे मुझे टोटली ग्लैमरस लुक में जाना पड़ता है। और जब मैं ऐसे एजुकेशनल सोशल वर्क कर रही हूँ, तो तभी मेरे को पूरा साड़ी में मतलब इतना स्विचिंग ऑफ द रोल, यस। और कॉर्पोरेट में जा रही हूँ तो वहां मेरे को पूरा, आपको तो पता है, ब्लेजर एंड ऑल, यस। तो मैं इतने तरीके की जिंदगी जी रही हूँ, इतना मजा भी आता है, परेशान भी होती हूँ। सो इट्स अ मिक्स फीलिंग, कॉकटेल लाइफ है पूरी। जी, और बहुत मजेदार भी होगी, क्योंकि जिनको ये पसंद है उनके लिए यही मजा है और इसी में आनंद आता है। आप जैसे अभी बता रही हैं, आपने कई विषयों पर बच्चे बुजुर्गों सभी को सीख देती रही हैं, जीवन कैसे सुगम बनाया जाए, समय को कैसे नियोजित किया जाए, ऊर्जा को कैसे नियोजित किया जाए आदि। आप कई तरह के प्रोग्राम सेशंस लिया करती हैं। आपके अनुसार आज की युवा पीढ़ी रोजगार बनाने में किस परेशानी से सबसे अधिक जूझ रही है और उन्हें क्या करना चाहिए? पहले ही हमारे जो लोक संख्या है वो काफी ज्यादा है, और उन उसमें भी बहुत लोग बेरोजगार थे, और ऊपर से अभी एक कोरोना आ गया है जिसकी वजह से जो बिजनेसेस चल रहे थे वो भी आज बंद पड़े हैं, और हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती ही जा रही है। तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे युवाओं से ज्यादा हमें अभी नौकरियां मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अलग बात है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद तो और भी हालत बिगड़ गई है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें बिजनेस पे फोकस करना होगा। ये आप मन में ठान ले कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सही ढंग से करें। कि आप कुछ भी लेके बेचने बैठ जाओ रास्ते पे, सी मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है, मेरा खुद का ये मानना है कि बहुत लोग ना हिचकिचाते हैं कि मैं ये बिजनेस कैसे करूं, मैं कैसे प्याज और टमाटर की गाड़ी लगाऊं। अरे भाई, तो भूखा रहेगा तो तेरे को दुनिया वाले खाना देने के लिए नहीं आएंगे, तेरी फैमिली का पेट भरने के लिए, तेरे बच्चों की फीस भरने नहीं आएंगे। तो दुनिया की मत सोच, तुझे सही क्या लगता है वो कर। और अभी मैं युवा पीढ़ी को वही कहना चाहूंगी कि दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दो और अपने आप के बारे में सोचो। भले ही आपके पास आज डिग्री है, आप इंजीनियर हो, आपने बहुत जगह पे नौकरी के लिए ट्राई किया, नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही तो इसका मतलब हम हाथ पे हाथ धरे घर में पड़े तो नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ करना होगा। सो छोटे से अपनी शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ, एक प्लानिंग बनाओ कि आपके एरिया में या आपका इंटरेस्ट किस में है, वो चीज करने के लिए आप थोड़ा रोजगार के लिए, उद्योग जो बोलते हैं हम, एम्प्लॉयमेंट के लिए यू स्टार्ट योर बिजनेस, बिजनेस पे फोकस करो, भले ही छोटा हो, एक ना एक दिन उसे बड़ा होना ही है। नौकरी नहीं है इसका मतलब घर में बैठना नहीं चाहिए, या तो जो काम मिले वो कर लो। तो यही मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगी कि शर्म मत करो, दुनिया की परवाह मत करो, जो नौकरी मिल रही या तो वो कर लो, नहीं अच्छा लग रहा है तो बिजनेस में उतर जाओ, छोटा मोटा बिजनेस कर लो और उससे आगे कैसे बढ़ाए उसके ऊपर फोकस करो। बहुत सही बात। उम्मीद है कि जो श्रोतागण सुन रहे हैं, जो युवा आज भी परेशान हैं, हताश हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो कुछ करना शुरू कर दें। आरती जी, अगर मैं आपको किसी तरह से एक जादू की छड़ी दूं और उससे आपसे कहूं कि समाज में कुछ बदलाव लेके आइए, तो ऐसे कौन से 3 बदलाव आप लेके आएंगे उस जादू की छड़ी से? वाह, पहले तो जादू की छड़ी सुन के इतना मजा आ रहा है, अगर काश मैं बच्ची रहती तो पहले बोलती मेरे को बहुत सारा चॉकलेट चाहिए। बट अभी अगर आप पूछेंगे तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि
जो हमारे राजकीय पक्ष है, राजकीय नेता है, ऐसी कांडी में घुमाना चाहूंगी, जादू की छड़ी में घुमाना चाहूंगी कि ये आपस में अपना स्वार्थ छोड़ के पहले जनता के हित के बारे में सोचने लगे, क्योंकि जी इन्हीं लोगों के वजह से आज हमारे समाज में काफी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, या यही चीज है कि गरीबों तक उनकी सेवाएं नहीं जा रही है, या अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। जी ये एक चीज में समाज में जरूर परिवर्तन करना चाहूंगी कि जो हमारा राजकारण है वो समाज के हित में हो, उसे समाज कारण बनाया जाए, ना कि उसको और ज्यादा पॉलिटिक्स बनाया जाए। दूसरी जी चीज में ये करना चाहूंगी कि हमारे देश में कोई भूखा ना सोए। इतनी पॉवर्टी है, इतनी गरीबी है, आप देखोगे दूसरे देशों में तो वहां पे कभी आपको भीख मांगते हुए लोग नहीं दिखते हैं। वहां पे बूढ़े, मैं सिंगापुर में 2 साल थी, मैंने देखा बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग वहां पे काम कर कर पैसा कमा के खा, खुद की रोटी खुद कमाते हैं। वहां पे कोई वो रास्ते पे आपको कटोरा लेके नहीं दिखेगा, या ये हमारे समाज में थोड़ी लोक संख्या ज्यादा है, बट ये परिवर्तन में जरूर लाना चाहूंगी कि कोई बेसिक नीड जो है, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, उसके लिए कोई दर दर की ठोकरे ना खाए। और तीसरी चीज, मतलब एक मैंने कहा राजकारण बदलना चाहिए हमारे समाज का, दूसरा मैंने कहा कि जो तीन जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, हमारे हर जी एक पर्सन को वो मिलना चाहिए, और तीसरा है एजुकेशन, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर बच्चे हैं वो अगर स्ट्रांग हो, किसी ने कहा है मुझे याद नहीं आ रहा है कि अगर किसी को, किसी देश को खोखला करना हो तो उसकी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दो, जी वो देश अपने आप में खोखला हो जाएगा। जी सो हमारी जो युवा पीढ़ी है उन्हें अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हर एक बच्चा पढ़ना चाहिए, हर एक को कुछ ना कुछ पैसों की वजह से या किसी और वजह से एजुकेशन ना छोड़नी पड़े। ये तीन चीजें मैं समाज में जरूर परिवर्तन लाना चाहूंगी। जी बहुत अच्छी बात कही है। जो तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है आपने उसको एक लय में बता दिया है। आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि आप, अगर ये तीन चीजें, हम जादू की छड़ी हम सबके पास है, जो काम आप कर रहे हो, जो काम हम कर रहे हैं, हम अगर एक साथ ही ऐसे काम करते रहे तो संभव है कि ये जादू की छड़ी काम कर जाएगी। आरती जी, आपसे एक अभी आग्रह करती हूँ कि आप अपने आप से एक ऐसा सवाल करिए जो आपको लगता है कि मैंने अभी तक वो सवाल आपसे नहीं पूछा पर मुझे पूछना चाहिए था। वैसे तो आपने बहुत अच्छे अच्छे सवाल ने मेरे से पूछे हैं, फिर भी ऐसा एक सवाल जो मुझे लगता है आपने मुझे पूछना चाहिए था कि वो है कि महिलाओं के लिए हमें, मतलब महिलाओं ने अपने आप को कैसे एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए, अपना एक जी अस्तित्व बनाए रखना चाहिए, ये सवाल मुझे लगता है पूछना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हम महिलाएं अपनी तरफ ध्यान नहीं देते, हमारी पहले तो हम माता पिता के घर में उनके कहने पे रहते हैं, अपने भाई माता पिता इनके बारे में सोचते रहते हैं, शादी हो जी जाती है फिर हम अपना परिवार के बारे में सोचते हैं, अपना पति, अपने ससुराल वाले लोग, अपना बेटा बेटी, सो हम अपने लिए नहीं जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल होना बहुत जरूरी है कि हमारी जो महिला है उन्हें अपने लिए जीना सीखना चाहिए, कहीं ना जी कहीं अपने सपनों को जिंदा रखना चाहिए। आज आप ये जो काम कर रही है, मुझे बहुत गर्व है कि आप ये काम कर रही है, कहीं ना कहीं आप अपने सपनों को जी रही है, आपकी ये जो जी लाइकिंग है, हॉबी है, आप उसे ये सब कर रही है। मैंने आज ये उम्र में मैंने मिसेस महाराष्ट्र, मिसेस इंडिया, ये सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, मैंने ये जो मेरा सेमिनार, वेबिनार, टीवी पे जाना, न्यूज़पेपर में जाना, ये मैंने कहीं ना कहीं अभी ही शुरुआत की थी, काफी लेट शुरुआत की थी। मैंने जिंदगी के 35 साल तो ऐसे ही गुजार दिए, मुझे ऐसे लगता है अभी कभी कभी, लेकिन हर एक चीज का एक समय होता है। तो मैं हमारे महिला वर्ग से इतना कहना चाहूंगी कि बहनों, अपने सपनों को अपने अंदर मार मत देना। आप कोई भी सिचुएशन को, आप मुझे पता है घर में काफी सारे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, झगड़े रहते हैं, मनमुटाव रहते हैं, हम अपने आप को मार डालते हैं, वो मत करो। अपने जी लिए खड़े हो जाओ,
अपने लिए लड़ो, अपने हॉबीज को जिंदा रखो, उसके अपने सपनों के पीछे भागो और साथ ही साथ अपना परिवार का भी ख्याल रखो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवर हेल्थ। हम अपनी हेल्थ की ध्यान नहीं देते हैं और यही भागदौड़ में मैं भी अभी थोड़े दिन पहले, आपको शायद पता भी होगा, थोड़े दिन पहले मैं बीमार भी थी। सो तभी मुझे लगा कि हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको 2-3 दिन पति कर लेगा, बेटा कर लेगा, जिंदगी भर कोई करने वाला है नहीं। तो अपनी सेहत का ख्याल हमें खुद रखना है। सो ये मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी, जो आप कह रहे थे कौन सा सवाल मुझे करना चाहिए था, तो ये सवाल मुझे लगता है होना बहुत जरूरी है कि सारी माता बहनें अपने सेहत का ख्याल रखे, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखे, सबको प्रायोरिटी बनाए लेकिन अपने आप को सबसे आगे रखे। आरती जी आपने इतने सुंदर से इतनी सारी बातें कह दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी इसको सुनेंगे सारे लोग प्रोत्साहित होंगे। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पर आपने युवा पीढ़ी, बच्चे, बुजुर्गों, सबके लिए कुछ ना कुछ कहा है और सबके लिए प्रेरणा बन के आ जाई हैं। अंत में आरती जी मैं आपसे एक और प्रश्न करूंगी, प्रश्न नहीं एक गुजारिश करूंगी कि अभी हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उनके लिए कोई 3 राज की बात बताएं जिनसे कि उनका जीवन सुखी और समृद्ध बना रहे। वैसे तो काफी सारे बातें हैं जो हमें अपने रोज के जीवन में खुद को ही वो सब पालन करनी होती है। फिर भी मैं कहना चाहूंगी, हम लोग है ना पास्ट में बहुत जूझते हैं, जो हमारे भूतकाल में हो गया है, जो घटना आपकी जिंदगी में पहले हो चुकी है। मैं सभी से इतना ही कहना चाहूंगी कि पास्ट पे फोकस मत करो, उसी को आप मेरे काश ऐसा होता, काश वैसे होता, मैंने ये नहीं किया होता, तो इसके रिपेंट में मत रहो, पश्चाताप मत करो, बस अभी का देखो और आगे बढ़ो। दूसरी चीज है जियो और जीने दो, यानी कि आपको किसी के कुछ बुराई भी नहीं सुननी है, ना बुराई करनी है, ना खुद आपको किसी से बुरा बर्ताव करना है, बस अपना बेस्ट करो, अपने काम पे फोकस करो। So, दूसरों को भी प्रोत्साहित करो, खुद भी अपना काम करो, काम से काम अपना रखो, उससे बहुत बातें आपकी सुलझ जाएगी। और तीसरी बात है कि सही समय को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो जरूर आपको इसका फायदा होगा। सो समय का सही इस्तेमाल करना और सही, मतलब जो भी हमें भगवान ने दिया हुआ है समय, उसको अच्छी तरीके से हमें काम में लाना होगा। सो आपकी जिंदगी उसकी वजह से सवार जाएगी। जी बहुत सुंदर आरती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए और जो श्रोतागण हैं उनको इस तरीके से उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उनकी प्रेरणा स्रोत बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनुपम जी, आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं आशा करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को जरूर कुछ ना कुछ इसे प्रेरणा मिलेगी और वो इसका अपने जिंदगी में कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में जरूर सोचेंगे। सो थैंक यू सो मच आरती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के इस 10वें एपिसोड को सुन के आप सबों को अच्छा लगा होगा ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। और यदि आपको पसंद आया है तो आपसे गुजारिश करूंगी कि आप स्वयं भी सुने और अपने सभी सगे संबंधियों को भी सुनाएं। धन्यवाद।